नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। मथुरा पुलिस अपराध पर लगाम लगा नहीं सकती या फिर लगाना नहीं चाहती। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस के पास सभी वो हथकंडे उपलब्ध हैं जो अपराधियों की नाक में नकेल डालने के लिए चाहिए होते हैं। अपराधी लगातार चुनौतियां दे रहे हैं मगर पुलिस उन चुनौतियों को स्वीकार तो करती नजर आती है लेकिन अपराध पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है। इस पर देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। धर्मनगरी अब जुआरियों और सटोरियों की गिरफ्त में। कैसे सुरक्षित रहेगी अब युवा पीढ़ी। पतित पावनी मां यमुना में नौका विहार करना अक्सर लोगों को लुहावना लगता है परंतु उसी यमुना में अब अपराधी अपनी जड़ें जमाकर बैठने लगे हैं जो न सिर्फ पुलिस को चुनौती दे रहे हैं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस भी पहुंचा रहे हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बारी बारी से जुए के दाव खेले जा रहे हैं। इस नाव के नाविक का भी किरदार आप समझ लीजिए जो अपनी जान यूं ही जोखिम में नहीं डालता बल्कि इस नाव में बैठकर जुए खेलने वाले इन जुआरियों से प्रत्येक बाजी के हिसाब से रकम वसूलता है। हालांकि ये जुए का काला कारोबार पिछले लंबे समय से चलता आ रहा है मगर पुलिस ना जाने क्यों इन जुआरियों पर शिकंजा कसने में असफल नजर आ रही है। मथुरा में लगातार बढ़ रहा आपराधिक ग्राफ मथुरा वासियों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है लेकिन मथुरा पुलिस उसे पकड़ने में कोशिश तो करती है लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाती। हम मौजूद हैं यहाँ मैं यमुना नदी के किनारे पीछे जो आप दिखाना चाहूंगा नाव के अंदर जो करीब 2 दर्जन लोग बैठे हुए हैं वहाँ जुए का गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है लेकिन मथुरा पुलिस ये बंगाली चौकी घाट पुलिस उस पर कोई भी अंकुश लगाने में नाकाफी साबित हो रही है। जहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कुछ वर्षों पहले इसी प्रकार से जब जुए पर पुलिस की एक रेड पड़ी तो कुछ लोग यमुना में कूद गए और वह डूब जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक मथुरा पुलिस ऐसे जुआरियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से कतराती है। क्या हो रहा पीछे? जुआ हो रहा है सर। है जी? जुआ हो रहा है। जुआ कौन सी जगह है? ये गली पर शमशान घाट के पास में। हाँ, ध्रुवघाट के सामने। तो बंगाली घाट चौकी लगती है? बंगाली घाट चौकी लगती है। तो रोकता नहीं है ने? कोई नहीं रोकता है। वो पहले एक बार रोक काम की थी तो जमुनाई में कूद गए थे वो दो लोग मर गए थे उसमें से जब से फिर पुलिस नाव में खेलते हुए नहीं रोकती है। रोकती नहीं है? नहीं, जरिया बना दिया है। कितना कितना जुआ होता है? अब ये तो नहीं कह सकता हूँ। फिर भी अंदाज? हाँ, 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपए तक का हो जाता है। एक नाव रहती है कि दो दो और तीन तीन नाव रहती है? नहीं, कई नावें रहती हैं। कई नाव रहती हैं? तो रोज सा होता होगा ये तो? हाँ, रोज डेली सा होता है। कोई रुकता नहीं है? कोई नहीं रुकता। रोजाना हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं लेकिन मथुरा पुलिस इन पर कोई भी कार्रवाई करने में कतरा रही है। अब देखना होगा कि मथुरा पुलिस इन जुआरियों पर क्या कार्रवाई करती है। क्या ये गोरख धंधा यूं ही जारी रहेगा या फिर इन पर नकेल कसने का काम मथुरा पुलिस कर दिखाएगी। मथुरा से अपने सहयोगी अंकित शर्मा के साथ राहुल राघव, समाचार सिटी 24। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।